بسم الله الرحمن الرحيم. दूसरा जो काम है कि हम अपने अड़ोस पड़ोस में आने वाले
हमारी औलाद है, हमारे पापा है, नाना है, दादा है, पूरी है, मोहल्ले वाले हैं, शहर वाले हैं, वो धड़कन की आग से बच जाए, उसके लिए हम क्या कर सकते हैं कि उसके लिए कोई काम करना है तो अल्लाह के करीब है तो सलाम तला तो साथ हमला करने वाली है, ये आप
ये संसारी तेरे अंदर कितनी परसेंट है, ये अमानतदारी तेरे अंदर कितनी भरी हुई। ये दो चीजें ऐसी है जिससे जो है गैर मुस्लिम जो है इस्लाम की तरफ जो है आकर्षित जाती है, क्योंकि वो मस्जिद में नहीं आते आपकी नमाज देखने के लिए, आप रोजेदार है वो आपके अंदर के रोजे को नहीं देख पाते, लेकिन वो हमें बाजार में तलाश करते हैं कि ये कितना संसार है, ये अमानतदार कितना है, वो आपको व्यवहार में देते हैं इसके व्यवहार कैसे। मेरे भाई दोस्तों देखो अल्लाह के प्यारे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो जिंदगी है इसको अपने से निकल आना है, इसको अपने अंदर जो है इसको अपने अंदर उतारना है, इसके लिए मेहनत करनी है, इसके लिए कोशिश करनी है कि अल्लाह के प्यारे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो जिंदगी है वो हमने सारे की जिंदगी में आ जाए, ईमान और अमल हमारी जिंदगी में आए। और एक खास बात जो है हबीब के माहौल के अनुमान से आप हजरात के सामने जो बात रखनी है वो ये है कि भाई अल्लाह के लिए अपने आप को मजबूत बनाओ, अपने आप को मजबूत बनाओ। अल्लाह के प्यारे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हर एतबार से मजबूत थे, यही कहा कि नबी देख तो बदन बस बदन नबी, अब सबको जो अल्लाह की तरफ बुलाया, हाँ सबको अल्लाह की तरफ बुलाया, हर एतबार से बुलाया, एक पहलवान में अल्लाह के प्यारे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को चैलेंज किया कि मैं पहलवान हूं अपनी जिंदगी में कभी नहीं हारा, अगर आप सत्य नबी हैं तो आप मुझे हरा कर दिखाओ। अल्लाह के प्यारे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसका चैलेंज एक्सेप्ट किया और अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अल्लाह का नाम लेकर पहली बार में इसको लेकर ये अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नए पहलवानी के फील्ड में आगे बहादुरी के फील्ड में अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आगे थे। एक मतलब मंदिर मनोहर में शोक हुआ और इस बात पर जो है अफवाह फैल गई कि मदीने के चारों तरफ से दुश्मनों ने घेर लिया, मेरी बात को पकड़ लेना, साफ इशारा कर रहा हूं कि चारों तरफ से ऐलान हो गया कि मदीने को घेर लिया गया है। अल्लाह के प्यारे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और सहाबा मदीने में मौजूद है, सहाबा इकराम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक दूसरे को बुला रहे हैं और जमा हो रहे हैं कि चलो हम तलाश देते हैं और आपस में इस बात की ये बात भी हो रही है कि हम नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम को अपनी बताएंगे आराम से मान ले रहे सहाबा जमा हुए और जो है अपनी तो मशवरा कर रहे हैं कि तलाश करने जा रहे हैं कि क्या हुआ हकीकत क्या है, ये अफवाह है क्या हकीकत है, लेकिन जो है इतने देर में जो है पता चला कि किसी साइड से जो है मदीने के किसी कोने से कोई घुड़सवार चला आ रहा है। जब करीब आए तो पता चला कि तो हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है, फिर पूछा हाथ देखा तो घोड़ा जो है पसीने से जरापोर था, रात का समय है और रात के वक्त जो है घोड़ा पसीने से जरापोर है, क्या मतलब इतनी तेजी के साथ अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसको लेकर मदीने की चारों तरफ जो है चक्कर लगाया और जब पूछा गया तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यह बात कही कि मुझे मुझ तक जब बात पहुंची तो मैं अकेला एक घोड़ा लेकर गए थे, ये बहादुरी की बात। मेरे भाई और दोस्तों देखो अल्लाह ने मेरी इज्जत दूसरा बहुत बहादुर, हम जो है अपनी बुजदिली को और अपनी कमजोरी को दो चीजों के पीछे छुपा देते हैं। सबसे पहली चीज हम छुपा देते हैं वो सबर का नाम देते हैं, हम ये कहते हैं अरे यार सबर करो बड़ा सदर अल्लाह सबर कहां किया जाता है, हम किसी को दो थप्पड़ मार सकते हैं लेकिन उसके बावजूद हम उसको नहीं मारेंगे तो वहां पर ये सबर कहलाता है, हमसे छोटा है हम उसको पेल सकते हैं मार सकते हैं
अगर कोई हाथ काटे तो हाथ काटना इंसाफ है मेरे भाई दोस्तों, देखो हम अपनी दुश्मनी से बाहर आए और अपनी नस्लों को भी मजबूत बनावे, हम खुद भी मजबूत बने, इसके जो है इसके लिए मैंने पहले ईमान की मजबूती की बात कही और आखिर में जो है अपने जिस्म की मजबूती की बात की। अल्लाह आपको इज्जत और तमाम को मैंने इसमें सजावट करने को अल्लाह फरमाए आमीन या रब्बुल आलमीन। इंशाल्लाह।